अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा ब्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर, ये देखिए बाहर का मौसम कैसा लग रहा है। और तकरीबन एक हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है। और मैं आज कोई आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई अपना शॉपिंग वगैरह बताने वाली हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एक हफ्ते से अपना एक भी वीडियो नहीं डाला, उसके पीछे भी रीज़न है। एक्चुअली कान का जो है, मेरे बेटे रेहान का हम लोग ट्रीटमेंट कराने गए थे, उसको कान में थोड़ा वैक्स ज़्यादा हो गया था, तो लॉकडाउन से पहले ही हम उसको लेके गए थे डॉक्टर के वहाँ दो विज़िट। फिर उसके बाद एक महीना रमज़ान आ गया, फिर उसके बाद हम नहीं जा पाए। फिर अभी जब से लॉकडाउन खुला है तो हम उसको लेके गए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कान में खुजली हुई और मैंने ईयरबड से कान को खुजा दिया, तो अंदर अब लगता मेरे कान में पस था और उसमें वैक्स भी था, उसके वजह से कान में स्वेलिंग आ गई और मेरे को कान जो है मेरा रात भर दो दिन तक दुखा। मैं इतनी पेन में थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था वो पेन। और फिर मैं कैसे कैसे डॉक्टर के वहाँ गई, डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर ने बोले कि एनेस्थीसिया दे के तुमको वो क्लीन करना पड़ेगा। एक्चुअली उन्होंने दवा डालने के बाद ना उसको वैक्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि वो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, बोले कि नहीं है, तुमको एनेस्थीसिया दे के वहाँ पे वो सिंपल प्रोसीजर कुछ होता है, कान के वहाँ इंजेक्शन देंगे और फिर बेहोश होने के बाद क्लीन करेंगे। मतलब बेहोश कम्प्लीटली नहीं होंगे, सिर्फ ये जो नेक का पोर्शन है, नेक से लेके सर तक कान तक उतना ही पोर्शन सुन करेंगे, मगर वो सुन के मेरे को टेंशन हो रहा था। तो मैं फिर बाद में मैंने बोला एक हफ्ते की दवाई दे दो, तो दवा तो चालू थी और इसमें ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने जब उनकी दवाई खाई दो तीन दिन तो मेरे को बहुत चक्कर आ रहे थे। एक्चुअली जो उन्होंने एंटीबायोटिक शायद लिखी थी वो ज़्यादा पावरफुल थी उसके वजह से भी, मगर डॉक्टर को जब मैं सेकेंड विज़िट पे गई तो मैंने उनको बोला कि मुझे चक्कर आ रहे, तो वो बोल रहे थे कि वो चक्कर आएगा क्योंकि वो पस और स्वेलिंग के वजह, नाक का, कान का, आँख का, ब्रेन का, सारा जो है वो कनेक्टेड नर्व्स होती है ना, तो हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर बन रहा होगा इसलिए तुमको चक्कर आ रही है। तो इस तरह मतलब मैं परेशान थी, तो इसलिए मेरा मूड भी नहीं हो रहा था। और जब तबीयत नहीं सही रहेगी तो इंसान ब्लॉगिंग वगैरह कैसे करेगा। तो फिर भी मैं बोली कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मुझे ये तकलीफ़ है। तो इंशाल्लाह अभी एक हफ्ते की दवाई खाई हूँ, तब से तो वो पेन बंद हो गया है कम्प्लीटली। फिर अभी हमने सेकेंड मतलब मैं डर रही थी ना तो एनेस्थीसिया से, तो मेरे हस्बैंड ने और हमारे एक रिलेटिव थे, इनके बहनों ही, उनसे फ़ोन किए थे, तो उनसे एक और डॉक्टर का इन्होंने अपॉइंटमेंट लिए, उनको बताए, तो उन्होंने तो ऐसे मतलब मुझे एनेस्थीसिया वगैरह नहीं दिया और वैसे ही मतलब मेरा कान जो है ऑलमोस्ट 90% क्लीन कर दिए। तो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे एनेस्थीसिया लेना नहीं पड़ा। जिस चीज़ से मैं डर रही थी वो काम मेरा हो गया, मगर 10% जो है बोलते वैक्स जो है ना वो काफ़ी हार्ड हो गया है, पत्थर की तरह हो गया। तो उन्हें 1 मंथ का ड्रॉप दिया है, सॉलीवैक्स ड्रॉप दिया है, बोले 1 महीना आप डालो। वैसे तो उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है वैक्स को, बोले कि अपने आप फुल के वो वैक्स बाहर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम देखेंगे 1 मंथ के बाद। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है और ऊपर से इतनी अंधाधुंध बारिश हो रही थी, तो बारिश में जब तबीयत ख़राब हो गई तो फिर कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। और मेरे बेटे रेहान का जो है अभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो गई हैं, तो फिर ऐसे ऐसे मतलब मेरे दिन कटे। और आप देख सकते हैं मैंने जो है अभी तक जो है लॉकडाउन के ये कोरोना वायरस के जो नॉर्म्स है
उससे प्रोटेक्शन के लिए मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ, जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह जो आते हैं उसको मैं वॉश करके रखती हूँ, और ये देखिए मैं बिस्किट्स भी वॉश करके रखती हूँ। तो फिर चलिए, फिर मैं बोली कि थोड़ा सी वीडियो बना के मैं आप लोग को अपडेट कर देती हूँ मेरे हेल्थ के बारे में। और आप लोग सोचते होंगे ये कभी बनाती है तो एक साथ इतने सारे वीडियोस एक दिन के गैप में डालती है और फिर गायब होती है, तो गायब ही हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। और हम इंसान हैं, नेचर है कि तबीयत ख़राब होना ठीक होना हमारे हाथ में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली मैं जाती थी मेरे रेहान का कान दिखाने के लिए, वैक्स के लिए, मगर मेरी उसका कान सही हो गया और मेरे पर इतनी मतलब टेंशन वाली बात हो गई थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत डर गए थे। और कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और इतनी हालात ख़राब है तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन जो लिए थे उसके बारे में मैं बता देती हूँ। उन्होंने जिस दिन वैक्सीन लिए थे उस दिन हमने वीडियो बना के डाले, तो उस दिन 12 घंटे तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। फिर बाद में उसके बाद रात के 3 बजे जो है उनको थोड़ा फील होने लगा, हैवीनेस होने लगा, बॉडी एक होने लगा, हेडेक होने लगा, और फिर उनको ऐसे लग रहा था हो सकता है फीवर भी आए। तो मैंने उनको बोला डोलो आप खा लो, सुबह तक फीवर आ जाएगा, और उनको फीवरिश लग रहा था। तो 2 दिन तक उन्होंने खाए डोलो, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है और बहुत ही हैप्पी मूड में है। और उनका भी एक चैनल है सेल्फ गुड लाइफ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है वो अभी लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो आप उनका भी चैनल विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह करे जल्द से जल्द ये बीमारी चली जाए। तो ऐसे नॉर्मल भी सर्दी खांसी होती है तो इंसान को डर लगा रहता है कि कहीं कुछ जाए तो ये नहीं निकल जाए, तो अब वही यही सब टेंशन लगा रहता है। और कल हो सकता है हम अपने जिठानी के घर भी जाएंगे मीरा रोड, इंशाल्लाह से मैं देखूंगी थोड़ा मूड ऑफ चेंज हो जाएगा जाने से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, मैं वहां का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तकरीबन हम 2 साल के बाद उनके घर पर जा रहे हैं। आप लोग दुआ में याद रखिए और हम भी आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।